और डंपर है मंगा रहा है। डंपर आने के कारण क्षेत्रवासी इतने परेशान है और वह यहाँ तक कि नगर निगम से उसको 50,000 का जुर्माना लग गया है, लेकिन वो अपनी आधा से बात नहीं आ रहा। एक बता है, समतीकरण कर रहा है। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारे तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। ये है कि भैया हम आधी रात को भी है ना, हमारे बच्चे इधर उधर खेलते दिन रात, छोटे छोटे बच्चे, और उधर से ही बिसलपुर की पाइप लाइन का निकासी का है, और वो बना रहे हैं ये मकान, इन्होंने पानी की रोक कर दी है, बरसात में पानी इतना भर जाता है कि पूछो मत। अभी ये 3 दिन बारिश आई थी, वो इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा, और उनको डंपर को रोकते हैं तो डंपर वाले शराब पी के आते हैं और बदतमीजी से लेडीज़ों से बोलते हैं। ये जॉन्सगंज बाढ़ 41 में शिकायत करी थी पहले? जी हाँ, शिकायत कर रखी है पहले, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बरसात आज इसे आज हम कलेक्टर से मिलने आए थे, उनसे हम मिले, उनको विज्ञापन दिया है। आपका नाम बता दो। मंजू शर्मा। जॉन्सगंज से आए हैं, जॉन्सगंज के एरिया से बाढ़ 41 से आए हैं हम क्षेत्रवासी, भू समतीकरण के जमीन के मामले के बाबत में आए सर। यहाँ अवैध रूप से निर्माण हुआ जा रहा है, उसका ADA से रोक लग गई है, नगर निगम से उसको कोई मिली नहीं है मंजूरी और ना उसे किसी चीज़ से, लेकिन वो अवैध रूप से निर्माण कर रहा है और डंपर है मंगा रहा है। डंपर आने के कारण क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं और वह यहाँ तक कि नगर निगम से उसको 50,000 का जुर्माना लग गया है, लेकिन वो अपनी आधा से बात नहीं आ रहा। एक बता है, समतीकरण कर रहा है, जहाँ स्मार्ट सिटी के दायरे पानी भरा जाएगा तो कहाँ जाएगी जनता, ये बताइए। जहाँ समारोह स्थल बनाया जा रहा है, अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही, जनता इतनी परेशान है, वहाँ डंपर इतनी रात दिन सुबह शाम आते हैं, हम आम जनता को इतनी परेशानी, हम फुटकर मजदूरी वाले, रोजगार वाले, ठेले वाले इतने परेशान हो गए। अगर उन्हें रोकते हैं तो मारा मारी पे उतारे, औरतों से बदतमीजी पे कर पे तुलाए, और अगर उसको कहा गया कि भाई जब ADA से तुमको रोक लग गई है फिर आप ये क्यों लाए जा रहे हैं, अवैध उससे क्यों आए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन हमारी जेब में, जो करना चाहे वो कर लो। कौन है, क्या नाम है जो डंपर मंगा रहा है? डंपर मंगा रहा है ये जमीन का मालिक है, जिनका हम नाम नहीं जानते भैया। हम हकीकत शिकायत पहले कर रखी है, नगर निगम ने भी शिकायत कर रखी है, हमने कई बार कर रखी है, लेकिन वो अपनी आदतों से बात नहीं आ रहा है सर। अगर आज हमारी अगर कलेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं करी तो आगे से हम धरने पे बैठेंगे। सर आप मेरा नाम क्षेत्र आशा चौधरी।